में करो, सुनो पहले। सभी रेलिंग के सामने जाकर जमीन पर बैठ जाइए, सभा का काम आगे बढ़ने दीजिए, पीछे चले जाइए या तो बाहर निकल जाइए। वहां रेलिंग के सामने जाकर बैठ जाइए भैया। चलिए पीछे जाकर बैठ जाओ, वहां खड़े मत रहना। चलिए खड़े कार्यकर्ता है या बाहर के लोग हैं? कार्यकर्ता है तो सुना ही नहीं पड़ता भैया, पीछे चले जाइए। चलो भाई, ए ओ इसको बुलाओ जरा। अरे यार बैठ जाओ तुम। सभी लोग रेलिंग को छूकर बैठ जाइए। सभी लोगों से निवेदन है, सूचना का ध्यान देंगे, तत्काल प्रभाव से सब लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लीजिए। हम लोगों के बीच में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ चुके हैं और जितने लोग इधर खड़े हैं उधर बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं आदरणीय रणजीत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आए आगे की कार्यवाही को बढ़ाए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत हो, उन्होंने खुद ही आपके लिए एक तरीका निकाल दिया, इसलिए कृपया शांति बनाए। इलाहाबाद लोकसभा की प्रत्याशी डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी से आग्रह है, कृपया आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करते हुए अपने विचार भी रखें। डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी। परम श्रद्धेय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री अमित शाह जी, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी को उस मुकाम पर पहुंचाया कि पूरे विश्व में आज भारत लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी लगी, वो आज हमारे बीच में है, जिनका हृदय से स्वागत करती हूँ। साथ ही इस मंच पर हमारी फूलपुर से जो प्रत्याशी है आदरणीय केसी देवी, वो भी उपस्थित हैं, अभी वो भी स्वागत करेंगी, उनका भी स्वागत है। आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी मंत्री उत्तर प्रदेश, आदरणीय नंदोपाल गुप्ता नंदी जी मंत्री उत्तर प्रदेश, हमारी महापौर अभिलाषा गुप्ता जी, हमारे विधायकगण, सभी हमारे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और समझ बैठे में पूरे क्षेत्र से आए हुए हमारे साथियों, प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष और सम्मान का दिन है। आदरणीय अमित शाह जी जो पूरे भारतवर्ष में अपनी स्पष्ट वार्ता के लिए, अपने परिश्रम के लिए और अपने दूरदृष्टि के लिए जाने जाते हैं, हमारे बीच में है। मैं प्रयागवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। यूं तो यह चुनावी सभा, लेकिन जो कुंभ मोदी जी ने, आपने और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस परिकाष्ठा पे उसको 2019 में स्थापित किया, उसके लिए हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से आपका आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय संस्कृति का क्या अमूर्त धरोहर हमारा कुंभ, जो कि हमेशा उपेक्षित रहता था, हर कुंभ में कोई ना कोई हादसा होता था, श्रद्धालुओं की जान जाती थी, इस बार इतना दिव्य कुंभ हुआ, इतना भव्य कुंभ हुआ कि एक पत्ता भी नहीं टूटा और 24 करोड़ लोग पूरे भारत से कुंभ में आकर और स्नान करके गए। आप भी आए थे, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि इस वक्त पूरे देश में मोदी जी के नाम की लहर है, और क्यों ना हो, जिस प्रधानमंत्री ने अपने 5 साल के कार्यकाल में
एक दिन भी छुट्टी ना ली हो, जिस दल के अध्यक्ष ने एक पल भी विश्राम ना किया हो, वो दल और वो प्रधानमंत्री कोई मुकाबला उसका नहीं कर सकता। और ये लहर आपकी मेहनत की लहर है, गरीबों के बारे में संचिंतन की लहर है। आपने उन उपेक्षितों के हृदय तक दरवाजे तक दस्तक दी है। आपने वहां कुंडी खटखटाई है जहां विकास कभी पहुंचता नहीं था। मैं तो जानती, मैं घूम रही हूं 250 के करीब, मैं गांव में ग्राम भ्रमण कर चुकी हूं। कोई गांव ऐसा नहीं है जाकर दलित हो, अति पिछड़ा हो, ना कहता हो कि भाई मोदी जी ने हमको दिया, इससे पहले किसी ने कुछ नहीं दिया था। किसान खुश, महिला खुश, युवा खुश, मध्यम वर्ग खुश। और इसीलिए मैं आपका स्वागत करते हुए आपको आश्वस्त करती हूँ कि चुनाव में मैं और केसी देवी जी प्रयागराज के एक एक गांव तक जाएंगे, एक एक मोहल्ले तक जाएंगे और लोगों को न केवल जगाने का काम करेंगे, उन्हें बताने का काम करेंगे, बल्कि मैं सोचती हूँ कि हम दोनों ही इस परिश्रम को इसलिए करेंगे क्योंकि लोकतंत्र में संवाद अपने मतदाता से आवश्यक है। वरना तो बात सच है कि जनता वोट देने को तैयार है, कार्यकर्ता को उसके दरवाजे तक पहुंचने की जरूरत है, वहां तक जाने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं। आपके पास समय कम है, आपको 6 बजे के पहले यहां से प्रस्थान करना आवश्यक है क्योंकि हेलीकॉप्टर उसके बाद उड़ नहीं सकता, लेकिन आप आए इसके लिए मैं और के सी रेवी आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि दोनों सीटें हम आपके गोदी में डालने का काम करेंगे, जोड़ी में जोड़ने का काम करेंगे। इन शब्दों के साथ एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी की। धन्यवाद। आदरणीय रीता जी ने बता दिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम जो है उसके नाते हेलीकॉप्टर उड़ने में जो दिक्कत होती है, इसलिए मैं अपने फूलपुर लोकसभा की प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती केसरी देवी पटेल जी को आमंत्रित करता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत भी करें और अपनी बात भी रखें। विजय संकल्प दिवस के शुभ दिन पर गंगा यमुना सरस्वती की पावन धरती पर प्रयागराज में हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देख करके आम जनता में अपने आप लोग इतने प्रफुल्लित है कि मोदी जी का पुनः आना बहुत जरूरी है। देश की समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए, देश से गरीबी को दूर करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना बहुत आवश्यक है। साथियों, हमारी बहन, बड़ी बहन रीता बहुगुणा जोशी जी इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से हैं, हमारे बीच बैठी हुई हमारी बहन अभिलाषा गुप्ता जी मेयर साहिबा, हमारे मंत्रीगण भी यहाँ बैठे हैं, हमारे विधायकगण भी बैठे हैं। साथियों, आप जानते हैं कि जिस क्षेत्र में हम लोग जाते हैं खाली एक ही आवाज आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी का आना आवश्यक है। देश को अगर बचाना है, देश को आतंकवाद खात्मा के लिए नरेंद्र मोदी जी का आना जरूरी है। साथियों, आप सभी जानते हैं और लगभग 300 गांव का भ्रमण किया, इन गांव में एक तरफा लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम से वोट देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी बहन रीता बहुगुणा जोशी भी अपने क्षेत्र में काफी गांव का दौरा कर चुकी हैं और अपने अच्छे वोटों से विजय होकर आएंगी और फूलपुर में भी यही कमल ही कमल दिखाई पड़ रहा है।
मैं अपने नगर के साथियों से बिना मैं आग्रह करती हूँ कि आप लोग जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि हम आगे रहेंगे साथियों, आप सब लोगों को एक ही दिखाई पड़ना चाहिए, कमल का फूल। साथियों, कमल का फूल भारत माता की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, भारत माता। धन्यवाद। मैं समय की सीमा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आप सभी लोग, सभी विधायकगण का, हमारे माननीय मंत्रीगण का ये विचार सुनना चाहते थे, लेकिन समय की सीमा के अनुसार हमारे अध्यक्ष जी स्वागत भी करना चाहते थे, माननीय हमारे महानगर अध्यक्ष जी, लेकिन जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ आए हुए अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, नागरिकों को, हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, प्रयागराज वालों को क्या हो गए, ऐसी आवाज आएगी क्या? अरे योगी आदित्यनाथ ने अब नाम भी बदल दिया, प्रयागराज कर दिया। जरा जोर से बोलिए, जोर से। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, ये दोनों सीटों पर विजय का संकल्प की मुट्ठी बीचे। मोदी जी बंगाल है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भैया, अब समय कम है, थोड़ा सुन लो, वो ब्लू जर्सी जरा सुन लो। मित्रों, समय थोड़ा कम है, नारे बीच बीच में लगा देना, मुझे बोल भी लेने दो, जरा बोलूं मैं। मित्रों, हो गया, अब शुरू करूं। मित्रों, मंच पर उपस्थित प्रयागराज सीट से भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता, हमारी नेत्री और यहां से प्रत्याशी बहन रीता बहुगुणा जोशी जी, साथ की फूलपुर सीट से हमारी प्रत्याशी श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान सिद्धार्थनाथ सिंह जी, यहां के ही नेता और उत्तर प्रदेश में मंत्री श्रीमान नंद गोपाल नंदी जी, श्रीमती अभिलाषा बहन जी, लोकसभा के प्रभारी ब्रह्मदेव मिश्रा जी, श्री रणजीत सिंह जी, श्री रामलखन सिंह जी, श्री संजय गुप्ता जी, श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, श्री अमलपाल मौर्य जी, श्री अवधेश गुप्ता जी, श्री शिवदत्त पटेल जी, श्री कन्हैयालाल पांडे जी, और आज इस विशाल जनसभा में उपस्थित भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, इको सेट करो भाई, इको। मित्रों, आज मैं प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर हमारी दोनों प्रत्याशियों को जिताने की अपील करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ। ये भूमि न जाने कितने युगों से देश भर में, दुनिया भर में श्रद्धा का केंद्र रही।
माँ गंगा के दर्शन कर लो, यमुना के दर्शन कर लो या सरस्वती के दर्शन कर लो, जीवन धन्य हो जाता है। यहाँ तो गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों विद्यमान है, ऐसी ये पुण्य भूमि। भगवान वेणी माधव, बड़े हनुमान मंदिर, और अभी अभी जिसको मोदी सरकार ने खुला छोड़ा, ऐसे पुराने अक्षय वट को प्रणाम कर मैं मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि चंद्रशेखर आजाद की, जहां चंद्रशेखर आजाद ने बलिदान दिया वो भूमि, ये भूमि महामना मालवीय का जन्म भूमि है, जहां मालवीय जी ने अपने प्रारंभिक जीवन को निर्वाह किया, ये भूमि है। मित्रों, तीर्थनगर के कोतवाल हनुमान जी के चरणों में प्रणाम कर मैं मेरी बात को शुरू करना चाहता हूं। आज मैं यहां पर ये दो लोकसभा क्षेत्रों के विशाल सभा को संबोधित करने आया हूं, तो मैं आज 270 लोकसभा क्षेत्र का मेरा दौरा समाप्त हो जाए। ये 3 माह के अंदर देश भर में 270 लोकसभा क्षेत्र के अंदर मैं घूम कर आया, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरे देश के अंदर 270 लोकसभा क्षेत्रों का मेरा दौरा हुआ। मैं जहां पर भी गया, पूरब में गया, पश्चिम में गया, उत्तर में गया, दक्षिण में गया, जहां पर भी गया, एक ही नारा सुनाई पड़ता है, मोदी 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 का नारा, ये मोदी मोदी का जो नारा सुनाई पड़ता है, ये महज एक चुनावी नारा नहीं, 125 करोड़ भारतवासियों का मोदी जी को अंतर का आशीर्वाद है, अंतर का आशीर्वाद। 125 करोड़ भारतीयों के मन की इच्छा है कि 19 के चुनाव के बाद इस देश के प्रधानमंत्री फिर एक बार नरेंद्र मोदी बने, ये हमारे भारतवासियों का। और ये भाव ऐसे ही नहीं बना है, अभी अभी रीता बहन कह रही थी कि मोदी जी ने 5 साल से छुट्टी नहीं लिया है। मैं रीता बहन को थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। मित्रों, मैं मोदी जी के साथ सालों से कार्यकर्ता है, नाते काम करता हूं। भैया, वो टोपी वाले महाशय जी, ओ भाई, ओ सुनो, बैठ जाओ, अब आप पीछे आगे मत आना। मोदी जी के साथ मैं 20 सालों से जुड़ा हूं, उनके साथ गुजरात में भी मंत्रिमंडल में रहा। जब से मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब से लेके आज तक एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है, एक दिन भी बैठे नहीं। 24 घंटे में से 18 घंटे देश की जनता के लिए, गुजरात की जनता के लिए काम 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 करने वाला यार, और हमारे मुकाबले में राहुल बाबा खड़े, ये अखिलेश जी। गर्मी जैसे ही बढ़ती है, छुट्टी पे विदेश चले जाते हैं, विदेश। अरे राहुल बाबा तो विदेश भी ऐसे चले जाते हैं, माँ भी ढूंढती रह जाती है, बिटवा कहाँ गया मालूम नहीं पड़ता। मित्रों, मोदी जी ने कठोर परिश्रम, एक पारदर्शी जीवन जिया, कठोर फैसला लेने वाला एक व्यक्तित्व, हमारा सौभाग्य है कि आज इस देश का प्रधानमंत्री। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिसकी देश 70 साल से राह देख रहा था, 70 साल से राह। एक ऐसा प्रधानमंत्री आए जो इस देश के 50 करोड़ गरीबों की चिंता करे, एक ऐसा प्रधानमंत्री आए जो इस देश के गांव की चिंता करे, इस देश के किसान की चिंता करे, इस देश के युवा और महिलाओं की चिंता करे, इस देश के शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का पुरुषार्थ।
ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं। और 70 साल के बाद देश का सौभाग्य ही है कि नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के शासन में एक 5 ही साल के कालखंड के अंदर इस देश के 50 करोड़ गरीबों के जीवन में सार्थक रूप से परिवर्तन करने का काम। ये राहुल बाबा बहुत चिल्लाते हैं, मैं आज प्रयागराज की जनता के सामने उनको चैलेंज देना चाहता हूं। राहुल बाबा, 55 साल आपके परिवार ने शासन किया, 4 पीढ़ियों ने शासन किया, हिसाब किताब लेकर आ जाओ प्रयागराज के चौराहे पर मेरा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता चर्चा करने के लिए। बहन जी, और बुआ भतीजा ने भी 25 साल शासन किया, यूपी में किया या नहीं किया भाई? 25 साल शासन किया या नहीं किया? एक और राहुल बाबा के परिवार का 55 साल का शासन, एक और बुआ भतीजा का 25 साल का शासन, और एक और नरेंद्र मोदी का 5 साल का शासन, ये 55 और 25 पर भारी। मित्रों, इस 5 साल के अंदर देश के गरीबों के लिए गुणात्मक परिवर्तन उनके जीवन के अंदर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश की 7 करोड़ गरीब माताओं के झोपड़ी से धुआं गायब किया, उनके घर के अंदर गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी देश के हर गांव में बिजली पहुंचाई, 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाई। 70 साल के बाद 2.5 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके घर में बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। 2.35 करोड़ लोग जिनके छत पर, जिनके सर पर छत ही नहीं थी, कहीं जंगल में, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं खेत खलियान में पूरा कुनबा लेकर पड़े रहते थे, इन लोगों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, 50 करोड़ लोग, देश के 50 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास इलाज का पैसा नहीं। एक गरीब के बाप को अगर कैंसर हो जाए, लकवा मार जाए, हार्ट अटैक आ जाए, किडनी बदलानी हो, लीवर बदलाना हो, उसको अस्पताल तो बेचारा ले जाता था, 2 दिन टेस्ट करते थे, 3रे दिन अस्पताल का बिल देखकर बाप ही स्वयं कहता था, बेटे मैं तो मरूंगा ही, मैं रोग से मरूंगा, तेरा परिवार ये ऋण के बोझ के तले दब कर मरेगा, घर ले चल, ईश्वर ने जो चाहा होगा वो होगा। और आंख में आंसू के साथ वो बेटा अपने बीमार बाप को घर ले जाता, दवाई नहीं कर, मां अपने छोटे से बच्चे को दवाई नहीं कर पाती थी। एक गरीब का जीवन जो जीता है उसी को मालूम है जब अपने को मरता देखते हैं तो क्या हो। इनके जीवन के अंदर 70 साल में किसी ने इनकी चिंता नहीं की। नरेंद्र मोदी एक आयुष्मान भारत नाम की योजना लेकर आए, 5 लाख तक का पूरा हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयां, सारे टेस्ट, ये सारा खर्चा आज भारत सरकार ने। मित्रों, आज सुबह तक 24 लाख गरीबों ने अपना ऑपरेशन आयुष्मान भारत योजना के तहत। आज गर्व से एक गरीब मां कहती है, बेटा बेटी मेरे भले बीमार पड़े, मोदी जी बैठे हैं, मैं इनकी दवाई करा दूं। गरीब बाप बीमार पड़ा है, बेटे को चिंता नहीं है, अस्पताल में ले जाता है, बहुत सेवा करती है, वो अपनी नौकरी में चला। इन लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन नरेंद्र मोदी की। किसानों के लिए ढेर सारे काम, हर किसान को 6,000 रुपया देने का वादा हमने, अभी तो छोटे और सीमांत किसान को ही नहीं। फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद छोटा, मझला, बड़ा सबको 6,000 रुपया। मित्रों,
शहरों के लिए भी बहुत किया, स्मार्ट शहर बनाए, बहुत सारी योजनाएं लेकर आए। अभी अभी प्रयागराज में बैठा हूं मैं, अभी अभी कुंभ हुआ। मैं 1980 से एक भी कुंभ छोड़ा नहीं, हर कुंभ में गया, मगर इस कुंभ में योगी आदित्यनाथ ने जो व्यवस्था की थी, मैं आज प्रयागराज की पवित्र भूमि पर योगी जी को हृदय से साधु हुआ। 24 करोड़ लोग, देश के दुनिया के 24 करोड़ लोग आकर गए, पूरी दुनिया के मैनेजमेंट के लोग, पूरी दुनिया के मैनेजमेंट के लोग आश्चर्यचकित। अरे सुनो भैया, अब सुनो, सुनो जरा, पूरी दुनिया के मैनेजमेंट के लोग आश्चर्यचकित। इतनी कम जगह के अंदर 42 दिन में 24 करोड़ लोग कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे? कई लोगों ने तो कल्पवास लिया था, लाखों लाखों की भीड़। शाही स्नान के दिन हुई, करोड़ों की भीड़ हुई, कोई अव्यवस्था नहीं। कांग्रेस के समय में कुंभ में मारे जाने वालों का इतिहास पड़ा। जवाहरलाल जी यहां आए थे, सैकड़ों लोग दबकर भर गए थे, मगर भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें थी, ऊपर मोदी जी थे, नीचे योगी जी थे। कुंभ ऐसा हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ, और ईश्वर कृपा, मां दुर्गा की कृपा पूरे दुनिया में हमारा यश। कुंभ को यूनेस्को ने, कुंभ को यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया। और मित्रों, हम जब आए थे, मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़े, उन्होंने कहा था मां गंगा ने मुझे बुलाया। सबको लगता था गंगा का सफाई करना बड़ा दुष्कर काम है। मित्रों, इस बार जब मैं कुंभ में स्नान कर गया, आचमनी हाथ में लिया, कोई झिझक नहीं हुई, घर के पानी जैसा ही अमृत गंगा का पानी आचमनी किया, स्नान किया, आत्मा तृप्त। देश भर में कुंभ तो आया, पूरे देश में, पूरी दुनिया में। अरे सुनो, तनिक सुनो भैया, नारे ही लगाते रहोगे, या तो यहां जाओ भाषण करने के लिए। मित्रों, पूरी दुनिया में, देश में सब कुंभ का आनंद ले गए, मगर प्रयागराज के लिए तो दो चीजें हुई है। एक तो कुंभ अच्छा हुआ, दूसरा 2400 करोड़ रुपया खर्च कर प्रयागराज को इसकी काया पलट करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। इतना वर्षों पुराना शहर, अक्षय वट न जाने कितने युवाओं से यहाँ खड़ा है, वो साक्षी है। इसके नूतन बनाने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए इतना पुरुषार्थ कभी नहीं हुआ। 2400 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रयागराज को नया बनाने के लिए खर्च किया, और अब कुछ ही समय में अक्षय वट को 24 घंटा 365 दिन यात्रियों के लिए खुला करने का निर्णय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, 31 देश के राजदूत आए थे, 14 देश के चुने हुए प्रतिनिधि आए, ये सब ने देखा कि 671 जन कल्याणकारी परियोजनाएं डेढ़ साल के अंदर समाप्त कर दी गई, और पूरे प्रयागराज को अलग प्रकार से बनने का काम किया। और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई, कि वर्षों से इलाहाबाद करते थे, अकबर के जमाने से करते थे या नहीं करते थे, जरा बोलो, करते थे या नहीं करते थे? आज गर्व से कह रहे हैं ये इलाहाबाद नहीं है, ये प्रयागराज है। मित्रों, गर्व से पूरे लोग कह रहे, अकबर के जमाने से पूरे देश की इच्छा थी कि हमारा ये शहर प्रयागराज उसके मूल नाम से जाना जाए। किसी में हिम्मत नहीं थी, नीचे योगी ऊपर मोदी, बन गया इलाहाबाद प्रयागराज। मैं बोलूंगा बन गया इलाहाबाद, आप क्या बोलोगे? जरा जोर से बोलो, बन गया इलाहाबाद, बन गया इलाहाबाद, बन गया इलाहाबाद। परिवर्तन जो देश में हो रहा है,
वो आश्चर्यजनक परिवर्तन। प्रयागराज को मेट्रो देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया, स्मार्ट सिटी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। सिर्फ प्रयागराज जिले में 53,000 किसानों के ऋण माफ कर दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 37,000 लोगों को, गरीबों को घर दिया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1,23,000 लोगों को बीमा दिया गया। जन धन योजना के तहत 1,25,000 अकाउंट खोले गए। फसल बीमा के तहत 1,25,000 किसानों को फसल बीमा दिया गया। उज्ज्वला योजना के तहत सिर्फ प्रयागराज जिले में 2,30,000 गरीबों को गैस का सिलेंडर देने का काम किया। मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को दिया गया और 75,000 से ज्यादा किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। भाई ये फोटोग्राफर दोनों मेरी फोटो लो ना यार, क्यों डिस्टर्ब कर, इधर उधर मत घूमो, इस ओर लो। मित्रों, ये सारे परिवर्तन एक 5 साल के अंदर, मगर हमारी दोनों महिला प्रत्याशी यहां बैठी हैं, बहन रीता बहुगुणा जोशी भी बैठी है, केसरी देवी जी भी बैठी, दोनों को ये कोई काम के लिए आप वोट मत दो। मैं आपको प्रयागराज नाम करने के लिए भी न देना, स्मार्ट सिटी के लिए भी न देना, मेट्रो के लिए भी न देना, गैस के लिए भी न देना, शौचालय के लिए, ये सब कामों के लिए वोट मत दो। मैं कहता हूं ना, मेरी प्रत्याशी, मेरी पार्टी की प्रत्याशी, ये कामों के लिए वोट मत देना, मगर इनको वोट जरूर देना, देश को सुरक्षित करने के लिए वोट देना। मित्रों, देश को नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। मित्रों, 10 साल से यूपीए की सरकार चलती थी, सोनिया, मनमोहन, मायावती, अखिलेश की सरकार चलती थी, पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया जो जी में आए घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, कोई जवाब देने वाला नहीं था, मोनी बाबा के मुंह से ऊफ नहीं निकला। आज भी मैं नहीं भूल सकता, भाई हेमराज का सर काट कर ले गए थे, पाक की सीमा में ले जाकर पैरों से अपमानित किया, मैं आज भी नहीं भूल सकता। नरेंद्र मोदी सरकार पुलवामा पर हमला हुआ, 40 जवानों को बेमौत मार दिया, 40 जवान शहीद हो गए, देश भर के अंदर गुस्सा, हताशा, निराशा, क्रोध, रोष, अब क्या हो। पाकिस्तान ने भी तनिक मात्र भी दे दिया, सीमा पर सेना बिछा दी, टैंके बिछा दी, तोपे बिछा दी, उसको भी लगा कि मोदी जी फिर से सर्जिकल स्ट्राइक में, मगर ये मोदी भी भाई 56 इंच के सीने वाला मर्द आदमी है, मर्द आदमी। पाकिस्तान ने सीमा पर टैंके, तोपे, सेना बिछा दी, नरेंद्र मोदी जी ने वायुसेना को हुक्म दिया जवानों की शहीदगी के 13वीं के दिन हमारे वायुसेना के रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट पर हमला कर आतंकवादियों के पुर्जे उड़ा कर वापिस आ गए। मुझे बताओ प्रयागराज वालों, ये ठीक हुआ या ठीक नहीं हुआ? जरा जोर से बोलो, ठीक हुआ या नहीं हुआ? आप सब कहते हो ठीक हुआ, जिस दिन हुआ उस दिन भी देश भर में खुशी की लहर छो गई, खुशी की लहर छा गई, युवा पटाखे जलाने के लगे, महिला प्रसाद बांटने लगी, शहीद जवानों की तस्वीरों को मालाएं चढ़ने लगी, शहीदों के घर के अंदर भी ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर माताएं बहन कहने लगी, भगवान ने नरेंद्र मोदी ने ठीक किया, मेरे परिवार वाले का बदला लेने का था। मगर दो जगह मातम था, दो जगह छातियां पीट पीट कर, एक तो पाकिस्तान में था, वहां तो होना ही चाहिए ना, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये अखिलेश, मायावती और राहुल बाबा के कार्यालय में आक्रोश था।
वहां शोक था, मातम था, छातियां पीट रहे थे। मित्रों, मुझे तो ये समझ में नहीं आया, मोदी जी ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार गिराया, इसमें इनको क्यों पेट में जलन होने लगी? भाई आपके चचेरे ममेरे भाई लगते थे, क्यों रख रही? मित्रों, ये लोग अपनी वोट बैंक की चिंता करते और यहां से नहीं रुकते, कोई प्रमाण मांगता है। ये शाम पितोड़ा जैसे लोग कहते हैं, चार पांच लोगों ने गलती कर दी, अपने पूरे देश पर बम क्यों गिराया? भैया अखिलेश यादव, मायावती जी और राहुल बाबा, तीनों सुन लो, आपको आतंकवादियों के साथ इलू इलू करना है तो करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, पाकिस्तान से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, इनका जवाब पत्थर से दिया। देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। हमारे लिए वोट बैंक महत्वपूर्ण नहीं है, देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण। और मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने देश की सुरक्षा को, इसलिए आप रीता बहुगुणा जोशी को जिताइए, इसलिए केसरी देवी पटेल को जिताइए। मित्रों, आप मुझे बताओ, कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये सारा राहुल बाबा एंड कुंभा, मायावती, अखिलेश कहते हैं नहीं हटनी चाहिए। आप चिंता मत करो, ये दोनों नेत्रियों को जिता दो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, हम धारा 370 को हटा कर रहेंगे। अभी उमर अब्दुल्ला का बयान आया, उसने कहा कश्मीर में दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए। मुझे बताओ प्रयागराज वालों, एक देश में भला दो प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या? होना चाहिए क्या? ये कश्मीर को भारत से अलग करना चाहिए। मैं इनको बताने आया हूं, राहुल बाबा, अभी तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, फिर से बनने वाली है, मगर भगवान न करे कोई दिन हम सत्ता में न रहे, तब भी प्रयास न करना, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में से किसी एक के भी तन में प्राण है, तब तक कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं है। ये कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि है, ये कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, इसको आप नहीं अलग। मित्रों, ये राजद्रोह की कलम हटाना चाहते हैं, क्यों हटाना चाहते हैं? जेएनयू में नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े हो 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नरेंद्र मोदी जी ने नारे लगाने वालों को जेल में डाल दिया, जेल की सलाह को भी, और राजद्रोह की कलम लगा। अब राहुल बाबा कहते हैं राजद्रोह की कलम की ही जरूरत नहीं। राहुल बाबा, मायावती जी, अखिलेश जी, कान खोल कर सुन लो, हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, भारत माता के टुकड़े 1000 करने वालों की जगह इस देश में जेल की सलाखों के पीछे ही होगी, कहीं और नहीं। मित्रों, मैं आप सबको कहने आया, नरेंद्र मोदी जी ने देश का गौरव, दुनिया के अंदर देश के गौरव को बढ़ाने का था। मुझे बताओ, मोदी जी के अलावे गठबंधन वाले जो हैं, वो देश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? देश का सम्मान बढ़ा सकते हैं क्या? देश को महासत्ता बना सकते हैं क्या? देश को विकास के रास्ते पे आगे ले जा सकते हैं क्या? देश के गरीबों का भला कर सकते हैं क्या? देश के किसानों का भला कर सकते हैं क्या? देश के युवाओं का भला कर सकते हैं क्या? ये सारा कर सकता है तो कौन कर सकता है? जरा जोर से बोलो, कौन कर सकता है? जरा जोर से बोलो, कौन कर सकता है? मित्रों, जवाब तय है, ये सारा काम कोई एक नेता कर सकता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं। मुझे बताओ भैया, मुझे दो बार चिट्ठी भेज चुके सिक्योरिटी वाले, जाना पड़ेगा, मगर मुझे बताओ, ये दोनों सीटें रिकॉर्ड मतदान करोगे?
मैं ये नहीं पूछता रिकॉर्ड वोट से जीता हूं, क्योंकि मतदान करोगे तो जीत ही जाएंगे, मगर गर्मी बहुत है सोच करके ना, रिकॉर्ड मतदान करोगे क्या? ये दोनों लोगों को सांसद बनाकर दिल्ली भेजोगे क्या? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? भाजपा सरकार बनाओगे क्या? आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दोगे क्या? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दोगे क्या? भारत को विश्व में महासत्ता बनाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, रिकॉर्ड मतदान का संकल्प करो, और मैं बोलूंगा फिर एक बार, आप बोलोगे तो बोलिए फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार, 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 भारत माता की जय, मोदी सरकार की जिंदाबाद, जिंदाबाद। ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका आज यहाँ